बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 18 रिलेटेड टू योर इंग्लिश बुक ग्रामर एंड वी विल डिस्कस टुडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मतलक। इसमें हम आज हम करेंगे बेटा नेगेटिव सेंटेंस जिन्हें मनफी फकरात कहा जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फकरात जिसके अंदर नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो हमारे मनफी फकरात कहलाते हैं। जी स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे आपको पहचान इसकी बताऊँगी कि हमारे पास ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास जो है नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस से ताल्लुक़ है इसका। सबसे पहली पहचान जो होती है जुमले की, वो आपको मैंने उर्दू में पहले भी बताई थी, अलिफ छोटी है और बड़िए आखिर में आता है। किसी किसी जुमले में था और थी भी आता है, वो गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर अलिफ छोटी और बड़िए का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें अगर मनफी फिक्रा हो तो इसमें फार्मूला कुछ इस तरह आएगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए कुछ इस तरह इसका फार्मूला बनेगा। जी बेटा, कुछ इस तरह इसका फार्मूला बनता है, वो मैं इसके अंदर अब आपको बताऊंगी कि किस तरह ये होगा। सब्जेक्ट प्लस डिड, डू की सेकंड फॉर्म, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें वर्ब की पहली फॉर्म बिलफर्ज आ जाती है तो हमने उसको एज इट इज़ रहने देना है और डिड नॉट लगाकर फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में जो है वो उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब मैं कुछ जुमले बनाऊंगी जिससे आपको वजाहत होगी। अब मैं एक जुमला लिखूंगी, मैंने झूठ नहीं बोला। आप देखें लाम के साथ अलिफ आया आखिर में, एक वाज़े वजाहत हो गई कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है। आई सब्जेक्ट है, डिड नॉट टेल। अब जो दो फॉर्म एक ही जगह आ जाएंगी तो आपने पहली को सेकंड फॉर्म में तब्दील करना है, यानी डिड नॉट लगाना है, वहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है, और जो उसके साथ बोलने की इंग्लिश है झूठ नहीं बोला, टेल के लिए जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अगर आप इसको भी सेकंड कर देंगे रूल के मुताबिक जो पीछे किया था तो आपका ये जुमला गलत हो जाएगा, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड है, वो पहले ही आ चुकी है। जब डिड आ जाती है तो एक सेंटेंस में दो फॉर्म ऑफ वर्ब एक जैसी नहीं आती, डिड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। आ लाई, इसके बाद है उसने सबक याद नहीं किया, उसने सबक याद नहीं किया, ही डिड नॉट लर्न द लेसन। इसके बाद मैं एक और जुमला लिखूंगी, उमेरा ने स्वेटर नहीं बुना, उमेरा ने स्वेटर नहीं बुना। अब हम इसके लिए इंग्लिश लिखेंगे, उमेरा did not
निट, निट द स्वीटर, जी स्टूडेंट। अब आप देखें कि इसके अंदर क्या है, तुमने चाय नहीं पी, इंग्लिश आएगी यू, तुम की इंग्लिश है यू, सब्जेक्ट है ये हमारा, यू डिड नॉट, नहीं की, डिड नॉट यानी नहीं पीना, टेक टी, टुक नहीं आएगा यहाँ क्योंकि ऑलरेडी डिड आ चुका है जो कि सेकंड फॉर्म है, एक ही जुमले में दो सेकंड फॉर्म नहीं आती, एक फर्स्ट होगी और एक सेकंड होगी। You did not take tea. एक और जुमला लिखूंगी, हमने नई किताबें नहीं ली, इंग्लिश होगी इसकी we did not बाय न्यू बुक्स। इसके बाद घोड़े ने घास नहीं खाई, The horse did not eat grass. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम अपने इसी लेक्चर के अंदर अपने ग्रामर के अलावा हम इंग्लिश ए से पेज नंबर 46 अपनी बुक का खोली है, चैप्टर नंबर 4 है हमारा और इसका पेज नंबर 46 है जो कि एक्सरसाइज है, इसका ई पार्ट आज हम करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। अब आप देखें